Hello guys, I'm Nishant Kumar here to discuss about states and their CMs. हम लोग यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं डिस्कस करेंगे। ये हमारे करंट अफेयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो रेलवे RRB ALP टेक्नीशियन में आ रहे हैं। कृपया ध्यान दें उन बच्चों को जो इनको ग्रुप डी और ALP के पेपर्स देने हैं। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन आते थे कि इस स्टेट मध्य प्रदेश का CM कौन है, राजस्थान का CM कौन है, बट अब ये क्वेश्चन बदल चुका है। अब ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के CM किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को वेरी करने की वजह से हमने एक नया वीडियो बनाया है जिसमें हम सभी स्टेट का चीफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और वो किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं एक फाइल जहाँ पे पहले मेरा स्टेट का नाम बोलूँगा, फिर से वहाँ का CM कौन है उनका नाम बोलूँगा और उनका ये फ़ोटो भी लगा रखा है और उसके बाद वे किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करें। चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM कौन हैं? तो N चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के CM हैं पेमा खंडू और ये BJP के हैं। असम के सर्बानंद सोनोवाल CM हैं और ये BJP से बिलोंग करते हैं। बिहार के CM हैं नीतीश कुमार और ये जनता दल यूनाइटेड से हैं, JDU से हैं। छत्तीसगढ़ के CM हैं रमन सिंह और वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी ध्यान रखिएगा। गोवा के CM मनोहर पारिकर हैं और ये BJP से बिलोंग करते हैं। गुजरात के CM विजय रूपानी हैं और ये BJP से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के मोहन लाल खट्टर हैं और ये BJP से बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर हैं और ये BJP से बिलोंग करते हैं। बात की जाए जम्मू कश्मीर में अभी गवर्नर रूल है इसलिए वहाँ पे अभी कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। अब आते हैं झारखंड। झारखंड के CM कौन हैं? तो रघुवर दास हैं और ये BJP से हैं। कर्नाटक के कौन हैं? तो HD कुमारस्वामी। के किस पार्टी से हैं? तो जनता दल सेकुलर से हैं। केरल की बात किया जाए तो विजय रूपानी हैं और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट से हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान हैं और वो BJP से हैं। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो देवेंद्र फडणवीस है और वो BJP पार्टी से हैं। मणिपुर की बात की जाए तो N बीरेन सिंह हैं और वो BJP से हैं। मेघालय की बात की जाए तो कॉन्ग्रेट शर्मा कौन है जी? मेघालय के CM हैं और वो नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। मिजोरम की बात की जाए तो लाल थनवाला हैं और वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। नागालैंड क्या है? नेपी रिवे हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा, देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फुल फॉर्म ना देके शॉर्ट भी नाम दे देता है। अगला बात करते हैं तो उड़ीसा है और उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक है और ये बीजू जनता दल के हैं। पौंडीचेरी की बात की जाए तो N बिजाना स्वामी हैं, सॉरी पौंडीचेरी के VN नारायणन स्वामी हैं और ये कांग्रेस से हैं। पंजाब की बात की जाए तो अमरिंदर सिंह हैं और ये देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस INC भी लिख सकता है, कांग्रेस भी बोल सकता है, तो इन सब बातों पे आप ध्यान दें। राजस्थान का वसुंधरा राजे है, BJP पार्टी से बिलोंग करती है। सिक्किम के पवन कुमार चैमलिंग है और ये सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से बिलोंग करते हैं पार्टी से। तमिलनाडु के इद्दापुड़ी के पलनी स्वामी हैं और ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा
खंगम से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो हो सकता है कि साउथ के प्रोनाउंसिएशन अच्छे ना हो, तो इस पे बात ध्यान न दें। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है AIADMK, ठीक है, AIADMK। तेलंगाना से के चंद्रशेखर राव हैं और ये तेलंगाना राष्ट्र समिति से हैं, समिति। त्रिपुरा के हैं विप्लव कुमार देव, और ये BJP से हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और ये BJP से बिलोंग करते हैं। वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी हैं और ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। देखिए आजकल जो लेडीज, जो भी क्वेश्चन ज़्यादा है लेडीज ओरिएंटेड है, तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे दो लेडीज हैं, एक तो वेस्ट बंगाल में है ममता बनर्जी और यहाँ पे एक राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान के वसुंधरा राजे हैं और BJP से बिलोंग करती है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी है और AIATC बोला जाता है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में बोला जाता है, तो इससे बिलोंग करते हैं। तो इस बातों पे ज़्यादा ध्यान दें, एक बार पूरी रिवीजन कर ली जाए कि कौन ज़्यादातर चांसेज हैं जो नॉन BJP गवर्नमेंट स्टेट हैं उन्हीं से पूछा जाएगा। तो वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी हैं जो तृणमूल कांग्रेस से हैं। तेलंगाना का क्या है जी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से हैं और यहाँ के CM के चंद्रशेखर राव हैं। AIADMK के हैं तमिलनाडु के इद्दापुड़ी के पलनीस्वामी। सिक्किम के हैं सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी पवन कुमार चैमलिंग। तो जो जो ऑड हैं उन्हें ध्यान रखिए। पंजाब में अमरिंदर सिंह हैं कांग्रेस से। पौंडीचेरी में वी नारायण स्वामी हैं कांग्रेस से। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन ऑड से हैं वहीं बनने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि कौन सा टॉपिक मैं डिस्कस करूं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।